नमस्ते दोस्तों। तो पिछले लेक्चर में मैंने आप लोगों को एक एक्सरसाइज दिया था कि मिसेलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 9 बनाना है। तो आई होप कि आप लोगों ने ट्राई किया होगा, कुछ लोगों ने ट्राई भी किया है, उन लोगों ने कमेंट्स पे अपना आंसर लिखा है। तो आज हम लोग देखेंगे कि उसको हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं इसमें क्या कह रहा है कि इफ़ 4 डिजिट नंबर्स ग्रेटर दैन 5000 आर रैंडमली फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट्स 0, 1, 3, 5 एंड 7। तो क्या कह रहा है कि हमारे पास ये 5 डिजिट्स हैं, है ना, 0, 1, 3, 5, 7, और ये 5 डिजिट यूज़ करके हमें 4 डिजिट नंबर बनाना है। मतलब मान लो कि ये पहला डिजिट, दूसरा डिजिट, तीसरा, चौथा, है ना। तो 4 डिजिट का नंबर होना चाहिए और फिर वो जो है 5000 से बड़ा होना चाहिए, है ना। इफ़ 4 डिजिट नंबर्स ग्रेटर दैन 5000 आर रैंडमली फाउंड फ्रॉम द डिजिट्स, ये तो ये 5 डिजिट यूज़ करके हम लोग यहाँ पे 4 डिजिट नंबर बनाएंगे जो कि 5000 से ग्रेटर होगा, है ना। तो ये सारे जितने भी नंबर्स बन सकते हैं तो उसमें से क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो जो नंबर है वो डिविजिबल बाई 5 होगा। और फिर दो केस है, पहला जिसमें कि हम लोग रिपीट कर सकते हैं, मतलब डिजिट को बार बार यूज़ कर सकते हैं, और दूसरा केस है जिसमें डिजिट रिपीटेशन जो है वो अलाउड नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे कि हम लोग टोटल कितना 4 डिजिट नंबर्स बना सकते हैं, ठीक है। तो टोटल है ना 4 डिजिट नंबर्स, ठीक है, नंबर को मैंने हैश से यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया, टोटल 4 डिजिट नंबर्स ग्रेटर दैन 5000, ठीक है। और फिर हम लोग बस ये 5 डिजिट्स यूज़ कर सकते हैं, और पहला हम लोग केस ले रहे हैं, ठीक है, कि रिपीटेशन इज़ अलाउड, है ना, जबकि रिपीट कर सकते हैं डिजिट। तो अब मान लो कि हमारा जो ये 4 डिजिट का नंबर है ये 5000 से बड़ा होना चाहिए, तो ये जो पहला पोजीशन है यहाँ पर क्या हो सकता है, यहाँ पर हम लोग या तो 5 ले सकते हैं या तो 7 ले सकते हैं, है ना, ये यहाँ पर सोचना होगा। क्यों? क्योंकि अगर कोई भी नंबर 3 से स्टार्ट होता है, ठीक है, और ये 5000 आपका पहले से 4 डिजिट नंबर है ना, 5000, तो अगर 5000 से बड़ा होना है, ठीक है, 4 डिजिट नंबर, तो फिर ये जो पहला आपका डिजिट है वो या तो 5 होगा या तो उससे बड़ा होगा, है ना। ये बात के बारे में थोड़ा सा सोचिएगा, नहीं तो बच्चे यहाँ पर गलती कर देते हैं। तो ये जो पहला पोजीशन है यहाँ पर हम लोग या तो 5 यूज़ कर सकते हैं या तो 7, है ना। तो ये पोजीशन के लिए हमारे पास कितना ऑप्शन आ गया, 2 ऑप्शन आ गया, या तो 5 होगा या तो 7 होगा। अब इसके बाद यहाँ पर क्या है कि डिजिट्स रिपीट कर सकते हैं, तो 5ों में से कोई भी डिजिट यहाँ पर आ सकता है, है ना। तो यहाँ के लिए 5 ऑप्शन हो गए। फिर उसके बाद फिर से रिपीट कर सकते हैं इसके लिए भी, तो यहाँ भी 5ों में से किसी को भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और फिर सिमिलरली ये फाइनल पोजीशन के लिए भी हम लोग 5ों में से किसी को भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कितने हो गए, 2 मल्टीप्लाइड बाई 5 10 मल्टीप्लाइड बाई 5 50 मल्टीप्लाइड बाई 5 250, है ना। अब इसमें और एक केस आपको क्या ध्यान देना है कि अगर मान लो हम लोग 5 से स्टार्ट करते हैं, है ना, और फिर यहाँ सेकेंड पोजिशन पर 0 लेते हैं, फिर से 0, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 5000 बन जाएगा ये, है ना। मतलब कि ये जो टोटल 250 केस है, 250 नंबर्स है, उसमें से एक नंबर ये 5000 भी बनेगा, है ना, अगर हम लोगों ने पहली पोजीशन पर 5 लिया और फिर तीनों पोजीशन पर 0, 0, 0 लेते गए तो 5000। लेकिन ये 5000 जो होगा वो ग्रेटर देन 5000 नहीं होगा, है ना। तो वो जो एक नंबर है उसको हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो 249 हो गया। तो ये जो पहला हमारा चीज़ रिक्वायरमेंट है कि टोटल 4 डिजिट नंबर ग्रेटर दैन 5000 यूजिंग दीज 5 डिजिट्स, ठीक है, व्हेन दी डिजिट्स आर रिपीटेड, तो वो कितना हो जाएगा आपका, 249, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा सा सोचिएगा आप लोग। अब हम लोग को क्या देखना है कि ये जो 249 टोटल नंबर्स यहाँ पर बन सकते हैं, है ना, इसमें से कितने जो नंबर होंगे वो डिविजिबल बाई 5 बन सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं हम लोग कि अब हम लोग निकालेंगे टोटल, ये आपका 4 डिजिट नंबर, है ना, 4 डिजिट नंबर ग्रेटर दैन 5000 यूजिंग दीज 5 डिजिट्स, ठीक है, डिविजिबल बाय 5। तो अब ये जो है डिविजिबल बाय 5 भी होना चाहिए, है ना, डिविजिबल बाय 5 होना चाहिए। तो इसको अभी हटा देते हैं यहाँ पर। तो अब इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो फिर से स्टार्ट करते हैं, हमारे पास ये 4 पोजीशन से फिल करने को, ठीक है। अब ग्रेटर देन 5000, तो फिर ये जो पहला पोजीशन है यहाँ पर या तो 5 आएगा या तो 7 आएगा, तो हमारे पास 2 ऑप्शन है यहाँ के लिए, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, ये 5ों में से कोई भी आ सकता है ना, 1, 2, 3, 4, 5, तो यहाँ पर 5 ऑप्शन हो गए। फिर ये 3rd डिजिट के लिए फिर से 5ों में से कोई भी आ सकता है, तो फिर से यहाँ पर 5 हो गया।
अब क्योंकि ये डिविजिबल बाय फाइव होना चाहिए है ना, तो डिविजिबल बाय फाइव का फंडा क्या है कि जो आपका लास्ट डिजिट है वो या तो ज़ीरो होगा या तो फाइव होगा, है ना, तो वो या तो ज़ीरो होगा या तो फाइव होगा। तो यहाँ पर हमारे पास क्या ऑप्शन हो जाएगा, बस दो ऑप्शंस हो जाएंगे। तो ये टोटल नंबर आपका कितना हो जाएगा, टू फाइव जा टेन, टेन फाइव जा फिफ्टी, फिफ्टी टाइम्स टू हंड्रेड, ठीक है। लेकिन यहाँ पर फिर से आपको ध्यान देना है कि एक आपका केस क्या बनेगा, ये 5000 वाला, कि पहला जो है वो आपने 5 लिया, फिर आपने 0 लिया, फिर आपने 0 लिया, फिर 0 लिया, है ना, तो ये 5000 लेकिन ग्रेटर देन 5000 नहीं होगा, तो इसको हम लोग को जो है वो सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये यहाँ से आ जाएगा 99। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि टोटल जो हम लोग 4 डिजिट नंबर बना सकते थे जो कि 5000 से बड़ा है, ठीक है, ये 5 डिजिट यूज़ करके, तो वो आपका 249 है ना। तो जो हमारा प्रोबेबिलिटी होगा पहला केस में, मान लो कि जब डिजिट रिपीट कर रहे हैं, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगा कि टोटल 249 यहाँ पे पॉसिबिलिटी है ना, और उसमें से अगर हमको चाहिए कि वो जो 4 डिजिट नंबर बन रहा है वो 5000 से बड़ा होना चाहिए और फिर वो 5 से डिविजिबल भी होना चाहिए, तो वो कितने यहाँ पे नंबर्स बन रहे हैं, वो टोटल 99 बन रहे हैं, है ना। तो 99 डिवाइडेड बाय 249, ठीक है, इसको अगर सिंप्लीफाई करोगे तो 3 से अगर डिवाइड करोगे ऊपर नीचे तो 3, यहाँ पर 33 डिवाइडेड बाय 83, ठीक है, तो पहला पार्ट का जो आंसर होगा वो 33 बाय 83 हो जाएगा। अब यहाँ पर बच्चे कहाँ कहाँ पर गलती कर सकते हैं, ठीक है, पहला जो केस है यहाँ पर बच्चे गलती कर सकते हैं कि अगर आप लोग यहाँ पर ये देख रहे हो कि टोटल कितने 4 डिजिट नंबर बन सकते हैं, तो यहाँ पर ये ध्यान देना होगा कि यहाँ पर ग्रेटर देन 5000 होना चाहिए, है ना। तो जो पहला आपका ये होगा डिजिट वो या तो 5 हो सकता है या तो 7 हो सकता है, ठीक है, और अगर डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं तो फिर यहाँ पे कोई भी 5 ले लो, 5ों में से कोई भी एक ले लो, है ना, यहाँ भी 5 ऑप्शन, यहाँ भी 5 ऑप्शन, तो टोटल आपके पास 250 हो जाएंगे। लेकिन एक केस इसमें होगा 5000 का, है ना, कि पहला आपने 5 लिया, फिर 0 लिया, फिर 0 लिया, फिर 0 लिया, तो 5000, लेकिन वो इक्वल हो जाएगा, हमें चाहिए ग्रेटर, तो 250 माइनस 1 करना पड़ेगा 249। तो ये टोटल नंबर ऑफ केसेस हो गए। फिर उसके बाद इसमें से हमें क्या करना है कि जो डिविजिबल बाय 5 होंगे, है ना, तो उसमें क्या करना है, तो डिविजिबल बाय 5 के केस में क्या हो जाएगा, फिर से सेम चीज़ कि पहले पोजीशन पर या तो 5 होगा या तो 7, फिर 5 ऑप्शन, फिर 5 ऑप्शन, फिर ये जो फाइनल पोजीशन होगा ये यहाँ पर या तो 0 हो सकता है या तो 5 हो सकता है ना, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, तो टोटल 100 हो गए, 100, उसमें से एक केस आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा फिर से 5000 के लिए, तो 100 माइनस 1 99, ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन जितना प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा होगा, ठीक है, उतना ये सब चीज़ जो आप अगली बार अगर इस टाइप का क्वेश्चन देखोगे तो फिर बहुत अच्छे से सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। अब सेम चीज़ को हम लोग देखते हैं कि जब रिपीटेशन अलाउड नहीं है, है ना, द रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स इज नॉट अलाउड, तो हम लोग दूसरा केस कंसिडर करते हैं। तो दूसरे केस में क्या कह रहा है कि हम लोग डिजिट्स को रिपीट नहीं कर सकते हैं, तो पहला ये चीज़ देखते हैं कि टोटल कितने हम लोग 4 डिजिट नंबर बना सकते हैं जो कि 5000 से बड़े हों, ये 5ों डिजिट यूज़ करके, ठीक है, लेकिन डिजिट्स को रिपीट नहीं करना है, ठीक है। तो अगर 5000 से बड़ा होगा तो क्या होगा कि पहला पोजिशन पर हम लोग या तो 5 ले सकते हैं या तो 7 ले सकते हैं, है ना, तो यहाँ के लिए आपके पास 2 ऑप्शंस आ गए, ठीक है। अब इसमें क्या कह रहा है कि डिजिट्स रिपीट नहीं हो सकते हैं, तो दोनों में से एक डिजिट यहाँ पर आ जाएगा कोई भी, तो यहाँ पर कितने ऑप्शंस बचेंगे, अब 5 में से बस 4 ऑप्शन बचेंगे, है ना, तो यहाँ पर 4 हो जाएगा। फिर यहाँ पर हम लोगों ने एक डिजिट यूज़ कर लिया, दूसरा डिजिट यूज़ कर लिया, फिर यहाँ के लिए जो है 3 ऑप्शन बचेंगे, है ना, 5 में से हम लोगों ने 2 डिजिट यूज़ कर लिया है, तो फिर यहाँ पर 3 ऑप्शन बच जाएंगे, ठीक है। और फिर फाइनल हम लोगों ने यहाँ पर 3 डिजिट यूज़ कर लिया है ना, तो फिर 5 में से हम लोग कोई 2 डिजिट यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये टोटल कितना हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाइड बाई 4 8 मल्टीप्लाइड बाई 3 24 मल्टीप्लाइड बाई 2 48, है ना, तो ये 2 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 48। और ये मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, क्योंकि पहले पोजीशन के लिए 2 ऑप्शन है ना, दूसरे पोजीशन के लिए हमारे पास 4 ऑप्शन है, तीसरे के लिए 3 ऑप्शन है और चौथे के लिए 2 ऑप्शन है, तो सबको मल्टीप्लाई करके टोटल 48 नंबर्स जो हैं वो ग्रेटर देन 5000 आपका बन सकता है डिजिट्स को रिपीट किए बिना, है ना, ये 5ों डिजिट यूज़ करके। अब क्या हम लोग को निकालना है कि ये जितने भी 48 यहाँ पर बनेंगे, है ना, तो फिर इसमें से कितने जो हैं वो डिविजिबल बाई 5 होंगे,
ठीक है। अब देखो इस केस में ध्यान क्या रखना है कि ये जो पहला पोजीशन था है ना, जिसमें कि हम लोग या तो 5 यूज़ कर सकते हैं या तो 7 यूज़ कर सकते हैं, है ना, 5000 से बड़े होने के लिए। तो अगर हम लोग 7 यूज़ करते हैं पहले पोजीशन पर, है ना, तो ये फाइनल पोजीशन पर ऑप्शन है कि या तो 0 हो सकता है या तो 5 हो सकता है डिविजिबल बाय 5000 के लिए, है ना। लेकिन अगर हम लोग पहले पोजीशन पर 5 को यूज़ कर लेते हैं, ठीक है, तो फिर फाइनल पोजीशन पर आपको 0 ही यूज़ करना पड़ेगा, है ना, डिविजिबल बाय 5000 होने के लिए। तो ये दो केस को हम लोग कंसिडर करते हैं, ठीक है, कि पहला जो डिजिट है वो मान लो कि आपका 7 है ना, तो फिर ये तो बस एक ही तरीके से फिल हो सकता है कि यहाँ पर आप 7 यूज़ करो। अब अगर आपने यहाँ पे 7 यूज़ कर लिया है ना, और फिर ये जो लास्ट वाला पोजीशन है ये या तो 0 हो सकता है या तो 5, है ना, दोनों में से कोई एक यूज़ कर सकते हैं आप, तो फिर यहाँ पर दो आपके पास पॉसिबल ऑप्शंस हैं, ठीक है। अब क्या हो गया कि आपने यहाँ पर एक डिजिट यूज़ कर लिया पहले पोजीशन पे, लास्ट पोजीशन पर ये दोनों में से कोई एक डिजिट यूज़ कर लिया, तो दो डिजिट आपने यूज़ कर लिया, तो बचे कितने, 3। तो यहाँ पर 3 ऑप्शंस हैं, ठीक है, और फिर आपने 3 डिजिट यूज़ कर लिया, तो यहाँ पर टोटल अब 2 डिजिट बच गए, ठीक है। तो ये कितना तरीका हो गया कि 2 2 जा 4, 4 times 3 इज इक्वल टू 12, है ना। तो ये सारे केस क्या आ गया कि पहला जो पोजीशन है वो 7 है और फिर लास्ट जो पोजीशन है उसमें या तो 0 है या तो 5 यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। अब हम लोग दूसरा केस क्या कंसिडर करते हैं कि पहला जो डिजिट है वो हम लोग 5 ले रहे हैं, है ना, तो पहला पोजीशन 5 से ही फुलफिल होना है ना, तो पहला पोजीशन बस एक तरीका है फिल करने का। अब अगर हम लोग 5 लेते हैं और इसको डिविजिबल बाय 5000 होना है, तो लास्ट में क्या होना चाहिए, 0 ही होना चाहिए, तो लास्ट के लिए हमारे पास एक ही ऑप्शन है यहाँ पर, है ना। तो हम लोगों ने 2 यूज़ कर लिया, तो यहाँ पर कितने डिजिट बच गए, 3, तो हमारे पास 3 पॉसिबल ऑप्शंस हैं। फिर यहाँ पर 3 डिजिट यूज़ कर लिए, तो फिर हमारे पास 2 पॉसिबल ऑप्शंस हैं, है ना। तो अगर ये हम लोग लेंगे तो फिर 3 times 2 इज इक्वल टू 6, ठीक है। तो अगर दोनों को कंबाइन कर देंगे तो 12 plus 6 इज इक्वल टू 18, है ना। तो 12 नंबर ऐसे बन रहे हैं जिसमें कि 7 पहले पोजिशन पर है और फिर 6 नंबर ऐसे जिसमें कि 5 पहले पोजिशन पर है, ठीक है। तो टोटल कितने ऐसे बन सकते थे बिना रिपीट किए, 48। और हमारा जो केस ऑफ इंटरेस्ट है कि डिविजिबल बाय 5 भी होना चाहिए, रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स नहीं होना चाहिए, तो फिर वो टोटल 18 हो रहे हैं, है ना। तो जो आपका प्रोबेबिलिटी हो जाएगा सेकेंड केस में वो हो जाएगा 18 divided by 48, ठीक है। तो 6 3 by 8, ठीक है। तो काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस थे ये सब, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा सा फिर से सोचिएगा, अगर समझ में नहीं आया होगा तो एक बार फिर से देख लीजिएगा, और अगर कहीं भी कुछ भी डाउट्स आता है तो कमेंट्स में लिखिएगा। और प्रोबेबिलिटी का यही एक दिक्कत क्या है क्वेश्चंस में कि आपको पता नहीं चलता कि आप सही कर रहे हो कि गलत कर रहे हो, तो फिर वो आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा आपका लॉजिक डेवलप होगा, और अगली बार अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो आप लोग सॉल्व कर पाओगे। तो नेक्स्ट आपको क्या करना है कि एनसीईआरटी में जितने एग्जांपल्स हैं, एक्सरसाइज प्रॉब्लम्स हैं, मिसेलिनियस एग्जांपल, मिसेलिनियस एक्सरसाइज, वो सारे सॉल्व करने हैं। फिर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर एक बुक आता है, उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, वो भी ऑफिशियल एनसीईआरटी का ही बुक को रहता है, लेकिन उसमें क्वेश्चंस और थोड़े अच्छे रहते हैं। तो फिर आपको उसमें जितने एग्जाम्पल्स हैं, एक्सरसाइज प्रॉब्लम्स हैं, वो सारे जाके आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, और फिर मेरे जितने भी बाकी और कोर्सेज हैं वो सारे देखिए, और बाद में मैं और कोशिश करते रहूँगा कि जितने भी कॉन्सेप्चुअल मैं कोर्सेज डाल रहा हूँ उसके एंड में मैं और जेई मेंस का क्वेश्चन या फिर प्रीवियस ईयर बोर्ड्स का क्वेश्चन वो डालते रहूँ, है ना। तो वो बीच बीच में आते रहेगा, लेकिन आप लोग खुद से प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। तो मज़े करिए, अच्छे से पढ़िए, और फिर प्रॉब्लम सॉल्व करते रहिए, कॉन्सेप्ट समझते रहिए, ठीक है। धन्यवाद, और फिर मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में।